5 राज्यों में हुए चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस चिंता में है और देश भर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उदयपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर की ताज अरावली होटल में 400 से ज्यादा दिग्गज नेता मौजूद हैं और कुछ ही देर में चिंतन शिविर शुरू होने वाला है, लेकिन यहां भी कांग्रेस की चिंता बढ़ती नजर आई, क्योंकि शिविर शुरू होने से पहले ही ताज अरावली होटल के बाहर बने एक नाले में एक भैंस आकर बैठ गई, जिसे उदयपुर नगर निगम आयुक्त स्वयं हटाते नजर आए। आयुक्त महोदय ने भैंस को हटाने का खूब प्रयास किया, लेकिन एक कहावत है ना, गई भैंस पानी में, के अनुसार भैंस पानी से बाहर नहीं आई। बाद में 5 से 6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बुलाया गया, उन्होंने भी मिलकर खूब जद्दोजहद की, लेकिन पानी में बैठी भैंस बाहर नहीं आई। मीडिया का कैमरा चलते ही आयुक्त महोदय के आदेशों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने भी भैंस को उठाना बंद कर दिया और नाले की सफाई करने लगे।